आचार चाणक्य का मानना है कि मनुष्य के जीवन में सुख हर दो धूप छाँव की तरह होते हैं। यह सभी के जीवन में आता जाता रहता है, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में संघर्ष करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आचार्य ने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन चक्र के बारे में बताते हुए कहा है कि मानव के जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा मुख्य होता है। बाल्यावस्था जहाँ परिवार के संरक्षण में बीतता है, वहीं युवावस्था लोगों को अपनी भविष्य बनाने और सुख शांति, ऐश्वर्य और सम्मान पाने का मौका देता है। अगर इस समय का सही उपयोग किया जाए तो बुढ़ापा को शानदार बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुढ़ापा संवारने में सबसे ज़्यादा मदद पुत्र करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आप अपने पुत्र को पैदा होने के बाद अच्छे संस्कार दिए हैं तो वह बड़ा होकर संस्कारी बनेगा। वहीं अगर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देता तो बच्चा भी बड़ा होकर आपका सम्मान नहीं करेगा। आपको बता दें, आचार्य चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति का चरित्र जीवन को सहारा देने में अहम भूमिका निभाता है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र गलत है तो बुढ़ापे में आपको बेटा भी आपका साथ छोड़ सकता है। आपको बता दें, वहीं जिनका चरित्र स्वच्छ रहता है बुढ़ापे में लोग आपकी इज्जत करेंगे, समाज में सम्मान भी ऐसे ही लोगों को मिलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी जवानी के दिनों में बड़े पद पर आने के बाद दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें बुढ़ापे में समाज के अंदर सम्मान नहीं मिलता। ऐसे लोगों का जब पद और प्रतिष्ठा खत्म हो जाता है तो लोग भी साथ छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने बुढ़ापे को संवारने का सबसे आसान तरीका है दूसरों की मदद करना। अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो कल लोग आपकी मदद करेंगे, इसलिए सामर्थ्य अनुसार हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे समाज में सम्मान मिलने के साथ कल भी सवर जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, यह पाठ्य सामग्री आम धारणाओं और इंटरनेट पर मौजूद सामग्री के आधार पर लिखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।